दोस्तों आज हम जा रहे हैं, बहुत ही एक मशहूर टेंपल है शिमला इंटीरियर में, करसोग के आसपास इनका नाम, जिसका नाम है महुनाग। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, और इनका वर्णन जो है महाभारत में भी आता है। ये करीब 3-3.25 घंटे की दूरी पे है शिमला से, और इस समय हम नालदेहरा क्रॉस करके इनफैक्ट ऑलमोस्ट बसंतपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से एक वाई जंक्शन है जो रास्ता लेफ्ट साइड पे जाता है तत्तापानी, उसके बाद करसोग, और उसके बाद एक छोटा सा डिटूर है जिससे हम महुनाग पहुंचेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी लेफ्ट साइड पे नीचे सतलुज नदी बह रही है, और दूर डिस्टेंस में एक्चुअली आप तत्तापानी जो तहसील है या टाउन है वो देख सकते हैं। ये रोड जिस पे अभी फिलहाल हम चल रहे हैं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। इस ट्रिप पे इंसिडेंटली मेरे साथ मेरे पिताजी भी हैं, ये उनकी पुरानी टेरिटरी रही है। ही इज रिटायर्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री, तो उनसे मैं इस बारे में ज्ञान लेता रहूँगा कि किस तरह के पेड़ इन डिफरेंट रीजन में उगते हैं, कैसी टोपोग्राफी है, कैसे प्लांट्स हैं, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्योंकि उनका पुराना इलाका रहा है जब वो यहाँ पोस्टेड थे कुल्लू में, उसके बाद शिमला में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है। आज हम जाएंगे महुनाग, उसके बाद रात को हम स्टे करेंगे इन अ प्लेस कॉल्ड रुहांडा, और वहाँ से कोशिश करेंगे एक और बहुत प्राचीन मंदिर जो 1000 साल से ज़्यादा पुराना है, तमरुनाग, वहाँ पर जाने की। और कल दोपहर के बाद हम लोग ड्राइव करेंगे शिकारी देवी, जो अगेन लोअर हिमालयस में स्थित है, काफ़ी हाइट पे है मिडिल हिमालयस में, और काफ़ी फेमस भी है। पहले उस पर ट्रैक करके जाना पड़ता था, कई घंटे लगते थे, लेकिन अब एक जीपेबल रोड बना है जो हमें मदद करेगा वहाँ तक जाने की। तो वो हमारा कल का प्लान है। तो इसी तरह आपको मैं अपडेटेड रखूंगा कि हम कहां कहां जा रहे हैं, और कोशिश करूंगा कि इन सब प्राचीन मंदिरों के बारे में भी आपको बताऊं। Thank you.